इंदौर फिनिक्स मॉल में चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। कड़ी सुरक्षा के बीच डुप्लीकेट चाबी से शोरूम खोलकर की चोरी। सीसीटीवी फुटेज में चोरबा के पुलिस और भी सीसीटीवी खंगाल रही है। इंदौर के बाईपास स्थित बने फिनिक्स मॉल के अंदर एक शोरूम में चोरी की वारदात सामने आई है। यह शुरू में चोर चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। इंदौर के बाईपास स्थित बने फिनिक्स मॉल के अंदर एक शोरूम में चोरी की वारदात सामने आई है। यह शुरू में चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। तमाम सिक्योरिटी की सुविधा है, लेकिन फिर भी अज्ञात बदमाश शोरूम बंद होने के बाद में डुप्लीकेट चाबी का प्रयोग करते हुए शोरूम के अंदर से एक जोड़ी कपड़े, हजारों रुपए नकदी और अन्य सामान ले उड़ा। हालांकि घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। अब उस आधार पर पुलिस चोरी करने वाले चोर की तलाश में जुटी है। कनाडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत फिनिक्स मॉल के अंदर कपड़े के शोरूम में उस समय चोरी की वारदात हुई। जब शोरूम बंद होने के बाद अज्ञात बदमाश वहां पहुंचता है और डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करते हुए ताले को खोलकर शोरूम के अंदर से कपड़े, हजारों रुपए नकदी और अन्य सामान ले उड़ता है। यह बात भी सामने आई है कि शोरूम में एक कर्मचारी की मिलीभगत से चोरी करने वाले बदमाश को चाबी दी गई थी, लेकिन पुलिस अब चोरी करने वाले की तलाश में जुटी है। वहीं शोरूम के कर्मचारी से भी पूछताछ की जा रही है। देखिए, एक फिनिक्स मॉल जो यहाँ पर बाईपास पर स्थित है, वहाँ पर एक दुकान में उसके संबंध में रिपोर्ट की गई थी कि दुकान जब उसने खोला तो उसमें कुछ सामान उसका और कुछ कैश गायब था। तो उसमें थाने पर 457-380 में कायमी की गई है और जो फुटेज आदि निकाले गए हैं और उसमें चिन्हित करने के और आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।